नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। लंबाई पूरी इसकी 14.5 इंच ली है, इस वाली साइड से लिया है। देखिए शोल्डर 6 इंच लिया है, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे। और गहराई इसकी ली है 10.5 इंच। इस तरह से मटके गले का शेप देना है। ऊपर से लेंगे 3.5 इंच, फिर यहाँ से लेंगे 1 इंच। 1 इंच अंदर की तरफ लिया है और यहीं पर लाके देखिए इस वाले गले में मिला देना है। तो इस तरह से हमने गले का जो निशान है बना लिया है। अब हमें बनाना है बुकरम के ऊपर। तो देखिए बुकरम को फैला कर रखेंगे और बराबर से इसको इस तरह से रखना है और एक सीधा मार्क करेंगे पहले, फिर जहाँ से ये गले का निशान है वहीं से इस पर बना लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट बुकरम के ऊपर इसे कट कर सकते हैं या इस तरह से कपड़े के ऊपर बनाने के बाद इस पर निकाल सकते हैं। दोनों तरफ से ये निशान हमने बना दिया है। बाहर वाली साइड से कट कर देंगे, गले वाली साइड से सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। अब हमें देखिए अस्तर और कपड़े को जोड़कर पहले तैयार करना है। तो ये नाप आप 32 से लेकर 36 साइज तक रख सकते हैं, डीप नेक के अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साइड से भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर जो कपड़ा ज़्यादा है उसे कट करके बराबर करेंगे। तो इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। बराबर से फोल्ड करते हुए एक सीधा निशान इस पर बनाएंगे। तो इस तरह बना दिया है। अब गले को हमने पेस्ट कर दिया है कपड़े के ऊपर। अब बाहर वाली साइड से फोल्ड करेंगे। तो बाहर वाली साइड से अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब देखिए दोनों निशानों को मिलाकर रखना है और पहले एक सीधी सिलाई डाल देना है, उसके बाद पूरे गले पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे कट करना है। तो इस तरह से कट करेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे, उसके बाद पूरे गले पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कपड़ा जो है अच्छे से इसको निकाल लेना है और पट्टी को, गला पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और इस यहाँ पर दोनों साइड से कपड़े को अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद गले के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है।
पहले इस तरह से गला तैयार करना है, उसके बाद इस पर जो डिजाइन रखना है वो हम बनाएंगे। उसके लिए लिया है इस तरह से कपड़ा, इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है। अब इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, 3 इंच ली है तो इस पर हमें पट्टी तैयार करनी है। तो पट्टी 1 इंच 2 पॉइंट की आएगी तैयार होके। तो अब इसे पलटेंगे यहाँ से, तब इसको पलट कर सीधा करेंगे, उसके बाद इस पर पलटने के बाद पट्टी के ऊपर प्रेस कर देंगे तो अच्छे से इसकी सिलाई जो है बैठ जाएगी। फिर हमें कट कर लेना है, 1.5 1.5 इंच की कट करेंगे। तो इस तरह हमने 1.5 1.5 इंच की कट कर ली है। अब देखिए इस तरह से इस पर डिजाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर पहले धागे को पक्का कर लेना है, फिर एक मोती उसमें डालना है और फिर मोती के अंदर से सिलाई निकालते हुए दोनों तरफ कपड़े को इस तरह से मोती के अंदर से सिलाई निकालेंगे और दोनों तरफ से पकड़ते हुए 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। फिर धागे को नीचे की तरफ निकालना है और पक्का करके कट कर देना है। तो इस तरह से हमें इस पर मोतियाँ लगाते हुए डिजाइन को बनाना है। मोती से ही धागे को निकालेंगे और दूसरी तरफ भी, और 2-3 बार निकालना है और कपड़े को साथ में दोनों साइड से पकड़ते हुए रखना है। इसी तरह से हमें सारी डिजाइनें बनानी हैं। तो देखिए हमने सारी डिजाइनें बना ली है। आप इस डिजाइन हमें लगानी है, यहाँ से देखिए लगेंगे ऊपर जो गला हमारा आएगा 3.5 इंच इसके ऊपर से लिया था तो वो वहाँ पर नहीं लगेगी डिजाइन, सिर्फ यहीं से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और पूरे गले पर दूसरी साइड यहीं तक पूरे पर लगाना है। एक बराबर से रखते हुए इस तरह से, बिल्कुल एक बराबर से रखते हुए लगाएंगे ताकि सारी डिजाइनें हमारे बराबर से आएं। तो इस तरह देखिए हमने सभी डिजाइनों को लगा दिया है। बाहर वाली साइड से भी इस पर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हमें पट्टी, गला पट्टी तैयार करना है। तो उसके लिए तिरछा कपड़ा कट करना है और फिर जितनी चौड़ी रखनी है उस हिसाब से इस पर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगा दी है, अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह हमने पट्टी को सीधा कर लिया। अब इसको गले पर लगा देना है, दोनों साइड से लगेगी तो उसी हिसाब से बना लेना है, लंबाई उतनी ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर गले वाली साइड से लगाना शुरू करेंगे और इसे इस तरह से लगाएंगे, गले के बिल्कुल बराबर से रखना है, गले के अंदर की तरफ पट्टी को बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहीं से इसको मोड़ लेना है, यहीं से मोड़ेंगे और दूसरी तरफ लगा मोड़ देंगे नीचे की तरफ, और बाहर वाली साइड से भी इस तरह से लगाते जाएंगे। तो देखिए डिजाइन आप 2 कलर में भी बना सकते हैं, जो हमने डिजाइनें बनाई हैं। अगर 2 कलर का डिजाइन रखना है तो वो दूसरे कलर का ले सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी हमने लगा दी है, तो डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में इसके प्लेट्स बना देंगे और गले पर डोरी लगाना है।
तो ये डोरी वाला डिजाइन है, इस पर डोरी लगेगी तभी ये बैठेगा। तो यहाँ पर फिर बाद में डोरी लगा देंगे। तो डिजाइन हमारा बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।